आज हम यहाँ से हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं जगदम्बा पाल जी, उनके निमंत्रण पर सिद्धार्थनगर में जो वो सांसद खेलकूद कुंभ आरंभ करा रहे हैं उसके अंदर आए हैं। साथ साथ क्योंकि हमेशा उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कपिलवस्तु समारोह के लिए, महाकुंभ के लिए, तो उसके अंदर भी हम भाग लेंगे। और जिस आदर भाव से उन्होंने बुलाया हमको, कई सालों से बुला रहे हैं, तो अब की बार आने का मौका मिला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके पास ऐसे सांसद हैं जो हमेशा उनके काम के अंदर लगे रहे। कई बार जो है हम लोग चीज़ों को ठीक तरह से समझते तो हैं, लेकिन एक का भेड़चाल शुरू हो जाती है। किसी से हमने पूछा था, एक किसान नेता से, कि हमको ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है, आप सब कहते हैं काला कानून है। मैंने कहा इंक के अलावा कुछ काला है क्या इसमें? उनका जी हम बात मानते हैं आपकी, लेकिन फिर भी काला है। अब उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है ना। तो कई लोगों की जो किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक, खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। अखिलेश का कहना है कि सरकार जाने वाली थी, जिसके डर से यह बिल वापस हुआ। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस भी कह रही है, अखिलेश आपको 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 ये वक्तव्य हास्यास्पद नहीं लगा? आप बताइए ना, चुनाव पहले वापस हो रहा है बिल, तो चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सब जगह, वो आप देखते रहे। किसान नेता राजेश टिकैत ने कहा है, अभी वो इसी का बयान है कि सीए भी वापस होगा किसी कानून के। ओवैसी साहब खेती नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो खेती नहीं करता वो खेती समझता भी नहीं है। अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि हमको गारंटी चाहिए एमएसपी की, और जब तक राज्यसभा और लोकसभा से बिल वापस नहीं हो जाएगा। उनको मिल रहा है, अब आप कहें कि जी मिल रहा है, उसको भी आप बोलिए कि ये, वो तो सरकार ने कह दिया है कि भाई जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है वो हमने लागू कर दी है। हर साल उसका, बल्कि पिछली बार जब ये इसके बारे में लोगों ने सवाल उठाया था, तो सत्र खत्म होने से पहले ही एमएसपी अनाउंस हो गई थी। तो ये सब बातें जो है इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक धन्यवाद।